इन दो तस्वीरों को देखिए, एक तस्वीर है नरसिंहपुर की तो दूसरी है मंदसौर की। दोनों तस्वीरों में तस्करी की जा रही है, वो भी पुष्पा स्टाइल में। एमपी पुलिस को पहली सफलता मिली मंदसौर में, जहां एक शातिर तस्कर पानी के टैंकर में पार्टीशन बनाकर डोडा चूरा की तस्करी करता था। उसने ये आइडिया अभी हाल में आई फिल्म पुष्पा से लिया था। मंदसौर पुलिस ने 3 क्विंटल डोडा चूरा के साथ इस तस्कर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस दूसरे आरोपियों की तलाश कर रही है। निश्चित रूप से पुष्पा स्टाइल ही थी। आरोपीगण काफी शातिर रहे हैं और जिनके द्वारा एक टैंकर जो कि पानी के लिए यूज होता है, उस टैंकर को डबल टैंकर के रूप में निर्मित किया गया था और इसके एक पार्ट में डोडा चूरा भरा जाता था, सेकंड पार्ट में पानी भरा जाता था। किसी भी व्यक्ति को बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि वो पानी का टैंकर है, इसलिए कोई भी हाथ भी नहीं देता था, ना कोई समझ पाता था। इतने शातिर बदमाश थे कि उस टैंकर में जब भी माल ये डालते थे अंदर डोडा चूरा, तब किसी को भनक भी नहीं लगने देते, क्योंकि एक क्लोज कैंपस के अंदर से डालते थे। आज हमारे द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान ये पाया गया कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक डोडा चूरा भरा हुआ पानी का टैंकर, जो कि सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट का टैंकर बताया जा रहा है, उस टैंकर को चेक करने पर हो सकता है कि डोडा चूरा माल निकले है। और सामने कोई पिकअप गाड़ी भी हो सकती है जो कि पायलटिंग कर रही है। सूचना के आधार पर हमारी टीम सब इंस्पेक्टर शुभम व्यास एवं अन्य थाने के फोर्स द्वारा चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान कुछ देर बाद पिकअप गाड़ी आती दिखाई दी, जो कि पुलिस को उसका ड्राइवर देखकर गाड़ी छोड़कर भागा, किंतु टैंकर का चालक जब टैंकर जब पीछे था उसको रोकने पर उसके द्वारा उससे पूछताछ सख्ती से की गई तो टैंकर में उसने डोडा चूरा होना बताया गया। अब बात दूसरी तस्वीर की। ये तस्वीर नरसिंहपुर की है, जहां वन विभाग ने लकड़ी तस्करों की बड़ी कोशिश का पर्दाफाश किया है। दरअसल वन विभाग की टीम को जानकारी मिली थी कि बरांज नदी में तस्करों ने पुष्पा स्टाइल में सागौन के लट्ठों को बहा दिया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सागौन की लकड़ियों को बाहर निकलवाया। इतना ही नहीं, वन विभाग की टीम ने आलनपुर बीट में स्थित एक गांव में दबिश देकर एक ग्रामीण के घर पर रखे 52 सागौन के अवैध लट्ठों को भी बरामद किया है। वन विभाग की टीम इस मामले की अब छानबीन में जुटी है। हम लोगों को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि रात में जो अपनी बरांज नदी है, इसमें कुछ लोग नदी में लकड़ी बहाकर ला रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग रात में गश्त की, तो क्या हुआ कि उन लोगों को, हम लोगों की जानकारी लगने से वो लोग लकड़ी को वही नदी में कसकर, किनारे कसकर रात में इधर उधर हो गए। लगभग कितने लोगों की टीम आपका दलबल था, कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितनी रात्रि आप लोग जगे, कितनी परेशान हुए? इसमें हम लोग पूरे हमारे सुरक्षा सिर में हमारा समस्त स्टाफ रहा, डिप्टी साहब लोग, बिलहरा सर्कल से भी स्टाफ रहा, तेंदुखेड़ा सर्कल का स्टाफ रहा। इसमें हम लोगों को 2 रात और 1 दिन मशक्कत करने के बाद हम लोग जो लकड़ी यहाँ ला पाए हैं और इसकी नाप तोल करके इसका प्रकरण। कितने अनुमानित अगर लगाया जाए कीमत कितनी होगी, बाजारों कीमत की बात करें तो? अभी लगभग 1 लाख से ऊपर की लकड़ी होगी। फिलहाल इन दोनों घटनाओं को देखकर साफ है कि तस्कर किस तरीके से अवैध तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। मंदसौर से आकाश चौहान के साथ नरसिंहपुर से अनुज ममार की रिपोर्ट, एमपी तक।